पूरे देश में कोरोना महामारी का जो विभत्स दृश्य देखा गया है उसका असर हमारे चित्रकूट में भी रहा, लेकिन हम लोगों ने मिलके हमारे नेता कमलनाथ जी, आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देश पे हम लोगों ने अपने चित्रकूट क्षेत्र को सुरक्षित करने का काम किया है। और अपनी जो भी अपने छोटे छोटे हॉस्पिटल थे, सामुदायिक केंद्र थे, उसमें ऑक्सीजन पाइपलाइन घर घर सर्वे कराने का काम किया, क्योंकि सरकार से कोई आशा नहीं थी। लोगों की डेथ लगातार हो रही थी, चित्रकूट क्षेत्र में भी काफ़ी लोगों की डेथ हुई है, कुछ के इलाज के वजह से, इलाज मिलने के बाद और कुछ बिना जानकारी के अभाव में। लेकिन आज की डेट में कामतानाथ की कृपा से, ईश्वर की बड़े देव और गैबीनाथ की कृपा से हम लोग अपने चित्रकूट क्षेत्र को सुरक्षित कर पाए हैं और अपने अस्पतालों को आत्मनिर्भर कर पाए हैं। इसमें पूरे जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, BMO हैं और बिरसिंहपुर के जो डॉक्टर्स हैं, जतवारा और बरौंधा के जो डॉक्टर्स हैं, चित्रकूट के जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। पूरे जो हमारे अधिकारी हैं, SDM, तहसीलदार, पटवारी, RI, उन लोगों का बहुत अच्छा योगदान रहा है। पंचायत के जो कर्मी, रोजगार सहायक और सचिव और इंजीनियर्स, उन लोगों ने भी जा के घर में दवाइयों का वितरण किया जो हम लोगों ने विधायक निधि से प्रदत्त करी थी, ताकि हम अपने क्षेत्र को सुरक्षित रख सकें। दवाई और इलाज के अभाव में किसी की डेथ ना हो पाए, हमारा एक ही लक्ष्य है कि हर जान जरूरी है। और उसमें जो चित्रकूट क्षेत्र में जो सबसे बड़ा योगदान किया है, चित्रकूट क्षेत्र हमेशा आभारी रहेगा, सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट का, डॉक्टर जैन और मफतलाल ग्रुप के विशद भाई का, इलेश जैन जी का, और जो डॉक्टर्स वहां पे काम कर रहे हैं, डॉक्टर दीपक हैं, शिवम हैं और जो भी डॉक्टर्स हैं, विवेक जी हैं, सभी लोगों ने जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र में काम किया है, सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट ने जिस प्रकार से आगे आके, एक सामाजिक संस्था ने जिस प्रकार से आगे आके काम किया है, हमेशा किया है, हमेशा संस्था ने काम किया है, लोगों को हमेशा मदद की है, ये चित्रकूट का भाग्य है, सौभाग्य है, कामतानाथ गुरुदेव भगवान की कृपा है कि उनकी कृपा से हॉस्पिटल संचालित है और यहाँ के लोगों को मदद मिल रही है, चाहे वो डोर टू डोर आरोग्यम का रथ हो, चाहे दवाइयां हो, चाहे घर घर जाके किट और जांच की व्यवस्था हो, चाहे गरीब लोगों को भोजन पहुंचाने की व्यवस्था हो, सब में सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट का बहुत अच्छा योगदान रहा है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि पूरा स्टाफ, पूरा सदगुरु परिवार उन्नत करे और क्षेत्र, चित्रकूट क्षेत्र की तरफ से हम सभी लोग हमेशा उनके आभारी रहेंगे। जिस प्रकार से इस आपदा के काल पे, इस आफत के टाइम पे उन लोगों ने आगे बढ़ के काम किया है, वहाँ पे कोविड के स्तर भी लगाए हैं, कोविड के बेड में इलाज को मुफ्त भी करा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इतने संकट के समय में संस्था ने मदद करी है, अन्य संस्थाएं भी हैं, उन संस्थाओं से भी मेरा अनुरोध है कि उनको भी आगे आना चाहिए, क्योंकि ये संकट का समय है। अन्य समय में तो सब आगे रहते हैं, लेकिन जब संकट के समय में जो आगे रहता है वही नंबर एक कहलाता है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अन्य संस्थाएं, ग्रामोदय विश्वविद्यालय, विकलांग विश्वविद्यालय और दीनदयाल शोध संस्थान जो नाना जी की परिकल्पना से खड़ा हुआ है, उन सारे संस्थानों से भी मेरा अनुरोध है कि सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट से प्रेरणा लेके क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र में काम है, जो भी जिसके जिस क्षमता के अनुसार अपनी मदद प्रेषित करें, क्योंकि जो भी संस्थाएं हैं उनको चित्रकूट के लोगों की वजह से नाम मिला है, चित्रकूट के लोगों की वजह से सम्मान मिला है। हम सभी की जिम्मेदारी है, जिस प्रकार से हम लोगों ने चित्रकूट का हॉस्पिटल, अन्य हॉस्पिटल्स को डिपेंडेंट किया है और सुविधाएं मिली हैं और एम्बुलेंस वगैरह भी हम लोग दे रहे हैं, मैं बहुत आभारी हूँ सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट का, बहुत बहुत धन्यवाद।